हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत सहित सभी शहीदों को विजय स्तंभ पर महाविद्यालय संघ इकाई ने दी श्रद्धांजलि। मुरैना के सबलगढ़ क्लब घर में विजय स्तंभ पर महाविद्यालय इकाई स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस विपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित सभी शहीदों को एक मौन सभा का आयोजन कर दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा के सदस्यों में विकास मित्तल, अनमोल गर्ग, सुधांशु सोनी, किशन, हर्षित आदि कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आज के श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम में आपको सबको पता ही है के 8 दिसंबर को कन्नूर विमान दुर्घटना हो गई थी, उसमें अपने देश के जनरल सीडीएस विपिन रावत उनका निधन हो गया था और उनकी धर्मपत्नी वो भी उस दुर्घटना में शहीद हो गई। तो आज के इस कार्यक्रम में अपने बीच में भाई साहब उपस्थित हैं, भाई साहब से आग्रह करूंगा कि इस पर अपने विचार रखें। सीडीएस विपिन कुमार जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धांजलि के रूप में कुछ शब्द आपके सामने कहने का प्रयास करूंगा। जिस महापुरुष की इस तस्वीर के सामने हम सब खड़े हुए हैं, यह देश के वो सौभाग्यशाली महापुरुष हैं कि अगर हम लोगों का जीवन भी यदि इस प्रकार के किसी काम में लग जाए तो स्वयं को बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। अपने जीवन का संपूर्ण जो समय था, जीवन का एक एक जो